गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय देसाई। सो गाइस, आज गोवा में हम लोग एंड यहाँ पे खाने वाले ऑथेंटिक गोवन ब्रेकफास्ट स्पेशली मेड बाय आंटी। थैंक्स आंटी। एंड मी आल्सो। इसने बनाया? मैंने चाय बनाई है। चाय बनाई है। सो क्या क्या है ये? भाजी है, चना का भाजी, पाव, पूरी, मिर्ची भाजी और समोसा। ब्रेकफास्ट काफी डिलीशियस था एंड तूने नहीं बनाया था, टेंशन मत ले। मैंने चाय बनाई थी इसने। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं पिरना जा रहे हैं। पिरना क्या है एग्जैक्टली? पिरना एक जंगल है इन अ ब्यूटीफुल विलेज। उधर वाटरफॉल है एंड देखो अब क्या है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं और ये प्लेस मैं स्पेशल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्राप्ति की कुछ रील्स दिखी थी, उसके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत जबरदस्त है, मतलब अभी देखते हैं कैसे लग रहा है वो, क्योंकि धूप है आज, बारिश नहीं हुई है, बट दैट प्लेस इज रियल सुपर्ब। एंड और एक चीज है गाइस, मैचिंग बाय बाय, क्योंकि गोवा में आके गोवा के कपड़े नहीं पहनोगे तो क्या पहनोगे, क्योंकि यहाँ पे है ना लाइक लोग इतने अच्छे प्यारे हैं, लाइक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ गोवा से मुझे प्यार है क्योंकि यहाँ के लोग है ना जज नहीं करते एंड दे आर रियली काइंड हार्टेड। भाई तू भी है। थैंक यू। फाइनली हम पहुंच गए हैं पिरना के फर्स्ट पॉइंट पे। बारिश थोड़ी सी हुई है जिसकी वजह से पानी फ्लो थोड़ा सा है, बट ये प्लेस बहुत सुपर्ब है। जा रहे हैं हम नीचे एंड वहाँ पे एक, ये पीछे आपको शायद दिखाई देता होगा, ब्लू कलर का एक टेंट है, वहाँ से अंदर जाना पड़ता है, तो ये रूट याद रखना है आपको। मैं वो टेंट भी दिखाऊंगा आपको। एंड यहाँ पर क्या एग्जैक्टली ब्रिज है ना एक? ओके, ये थोड़ा स्लिपरी है बट देख सकते हो एक यहाँ से जो पानी का फ्लो आता है ना जब तेज़ होता है तो बहुत ज़बरदस्त लगता है एंड यहाँ से ऐसे आगे जाता है। उस तरफ एक ब्रिज भी है, तो दिस इज रियली सुपर्ब। लाइक बहुत तेज़ी से पानी गिरता है यहाँ पर एंड यहाँ से आता है। ये ब्रिज है, जब इससे पानी गिरता है ना ऐसा ज़बरदस्त दिखता है ये, बहुत क्लास है। ये भी पिरना में ही है, यहाँ पे प्राप्ति ने फोटो निकाला था एंड वीडियो भी है शायद से, वो मैं डाल दूंगा, क्योंकि जब बारिश फुल फ्लो में होती है बहुत क्लास लगता है। देखिए मतलब पूरा पानी ऐसे गिरता है उससे। सो दिस इज ऑल्सो इन पिरना। ये टेंट याद रखना है, यहाँ से आपको जाना है। ये रोड आते ही लेफ्ट साइड में है वो ब्रिज एंड हम जा रहे हैं अभी राइट साइड पे। पिरना में है ना ये ऐसे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, मैं एक प्लग करता हूँ ऐसे, तो ये फ्लावर्स जो है बहुत खूबसूरत है एंड यहाँ पे बहुत सारे, तो ग्रीन मतलब ग्रीन ग्रास पे येलो फ्लावर्स बहुत सुपर कॉम्बिनेशन लगता है। और ये फ्लावर्स को गोवन जो है वो बोलते हैं हरन और हरना भी बोलते हैं, हरना या हरन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट ये दोनों में से एक नाम है एंड ये यूज़ होता है गणपति फेस्टिवल में, गणेश चतुर्थी में, ये गणपति जी का जो मकर होता है उसके ऊपर लगता है एंड बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ये सिर्फ पिरना में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है, सो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। एंड अभी यहाँ पे मतलब मैं जहाँ भी देख रहा हूँ ना वहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, तो अभी जाते हैं देखते हैं, पूरा घूम के आएंगे। इसमें घूमने का मज़ा ही अलग, लाइक फ्लावर वैली लग रहा है। सो गाइज, अभी ये फ्लावर्स देख के हम जा रहे हैं गांव देखने के लिए। गांव बहुत प्यारा है क्योंकि इस गांव का जो रोड है ना, इट्स लाइक गोवन यहाँ पे बाइक राइड के लिए आते हैं, क्योंकि इट्स लाइक नेचर राइड
क्योंकि हम एडवेंचर राइड करते हैं, बहुत सारे राइड करते हैं, गोवंस नेचर राइड करते हैं, तो यहाँ पे आते घूमने के लिए क्योंकि ग्रीनरी बहुत है। अभी हम वो रोड देखेंगे पूरा सिनेमेटिक में या फिर एक ड्राइव वाले मोड पे। एक्चुअली थ्री सीजन्स थ्री डिफरेंट लुक्स होता है, जब मॉनसून में ग्रीन होता है और जब उनका एक टाइम आता है जब वो पूरा जला देते हैं, पूरा काला ब्राउन होता है और एक कौन सा होता है प्राप्ति, वो पैडी सीजन होगा ना, हाँ पूरा ड्राई दिखता है। हाँ एंड गाइज पिरना का ब्लॉग यही खत्म होता है क्योंकि मैं इस ब्यूटी को मतलब एक इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ एक ब्लॉग बना के। तो जब भी आओगे गोवा मॉनसून में पिरना जरूर आना, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। And thanks Pratik and Prapti for showing this hidden gem of Goa. And that's all for the day guys. Comment karna, like karna aur subscribe karna taki aapko naye naye updates milte jayenge. Thank you so much for watching.